अभी 12:12 हो रहा है और गई मेरी ट्रेन गई। ऊंचा ऊंचा ऊपर देखो, छोटी सी ट्रेन है खिलौने जैसी, नाम भी टॉय ट्रेन ही है। तो प्लान भी अभी अपना रहे, प्लान भी ये जो आप अफरा तफरी देख रहे हैं, ये अफरा तफरी एक्चुअली हो रही है क्योंकि हम ट्रेन के लिए लेट हो रहे हैं। ट्रेन हमारी है 12:10 पे और अभी टाइम हो रहा है 11:50, यानी 20 मिनट वक्त में टाइम है और यहाँ से जो रास्ता है तकरीबन 4 किलोमीटर है। तो अब हम दूसरा प्लान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ से एक ऑटो देख रहे हैं, शायद थोड़ा सा जाम है, शायद ऑटो इधर उधर से, मतलब जो बाएँ वाला रास्ता होता है ना, बाएँ वाले रास्ते से जल्दी पहुँचा देगा। तो लेट्स गो, अगर किस्मत अच्छा रहा तो उस ट्रेन को पकड़ लेंगे, वरना बाई रोड जाना होगा। तो गाइस मैं अभी एक्चुअली कालका स्टेशन पर हूँ और मेरी जो गाड़ी है, मेरी जो ट्रेन है वो छूट चुकी है, टॉय ट्रेन। अभी 12:12 हो रहा है और गई मेरी ट्रेन गई। अगला जो स्टेशन है वो है आई थिंक उधमपुर या क्या, ऐसे ही कुछ टाइप का नाम है, उधमपुर टाइप का ऐसे ही कुछ नाम है। तो वहाँ से अब मैं सोच रहा हूँ वहाँ से ट्रेन को पकड़ लेता हूँ। वैसे ये कालका स्टेशन है। ज़िंदगी में मेरी ये पहली बार ट्रेन मिस हुई है और मिस क्यों हुई है, उन की वजह से, बस वाले, पहली बार ट्रेन मिस हुई है, मिस हो गया। वो लोग बोल रहे हैं ना कि अगला स्टेशन से पकड़ सकते हो, अपने को एक गाड़ी पकड़ना होगा, अपने को एक गाड़ी पकड़ना होगा अगले स्टेशन। हाँ तो वो लोग कहाँ हैं? तो वो लोग यहीं से पकड़ लेंगे, वो लोग जब तक आ जाएंगे बात करते हैं, जल्दी करो जो कुछ करना है। देखते हैं, मिस हो गया तो ठीक है, लेकिन मेकअप कर लेंगे, पकड़ेंगे तो जरूर टॉय ट्रेन। तो प्लान भी अभी अपना रहे हैं, प्लान भी ये है, धर्मपुर से वो जो टॉय ट्रेन अपना मिस हुआ है, उस टॉय ट्रेन को धर्मपुर से पकड़ेंगे और वहाँ से ट्राई करते हैं शिमला पहुँचने का। सामने ही मेरा है कालका स्टेशन। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि पहली बार ट्रेन मिस हुई है मेरी, और जो कि टॉय ट्रेन थी। सबसे पहले तो अंबाला से यहाँ कालका पहुँचने के लिए जो बस था, वो बस हमसे किराया लिया था 85 रुपये करके, और अब हम कालका पहुँच चुके हैं। तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से जाएंगे हम धर्मपुर के लिए। भाई साहब एक है वो टैक्सी के लिए 1550 रुपये बता रहे हैं, 1550 रुपये में तकरीबन वो धर्मपुर 27 किलोमीटर के आसपास है, 1550 में वो हमको वहाँ पहुँचाएंगे। फिर मैं कोशिश करूँगा उस टॉय ट्रेन को धर्मपुर से पकड़ने का और पहुँचूँगा शिमला। ये किसका है भाई साहब? की फोटो भी आ गई। टाइम ज्यादा नहीं है, बाकी अगले स्टेशन पे ट्रेन को पकड़ते हैं फटाफट। तो गाइस धर्मपुर स्टेशन हम पहुंच गए हैं और टाइम के पहले ही पहुंच गए हैं, तो ट्रेन हमारी मिस नहीं होगी। मैं देख रहा हूं ये जो पूरा इंसिडेंट हो रहा है, पूरा जब वी मेट की तरह पूरा इंसिडेंट हो रहा है। एक स्टेशन पे हमारी ट्रेन छूटती है, और ट्रेन छूटती भी है किस लिए, क्योंकि जो हमारा गाड़ी था ना बहुत धीरे चला रहा था, जिस वजह से हमारा ट्रेन छूट गया। फिर उसके बाद हम एक गाड़ी यानी हो एक गाड़ी पकड़े और पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे धर्मपुर। अब यहां से अपना जो ये है वो इनोवा, और इस इनोवा के लिए हम लोगों ने दिया 1550 रुपये। कालका से धर्मपुर तकरीबन 27 किलोमीटर है आसपास, जिसके लिए हम लोगों ने दिया 1550 रुपये। अब यहाँ पे पहुँच गए, अपने हाथ में आधा घंटा टाइम है, अब आराम से ट्रेन पे बोर्ड करेंगे टॉय ट्रेन से और आराम से शिमला जाएंगे फाइनली। इस वक्त हूँ धर्मपुर हिमाचल। ये धर्मपुर स्टेशन है, कालका के बाद वाला स्टेशन है, और जैसा कि मैंने बताया मेरी ट्रेन मिस हो गई थी, और तो जिस वजह से एक इनोवा गाड़ी मुझे करके आना पड़ा यहाँ पे। और स्टेशन का नाम है धर्मपुर। स्टेशन को मैं दिखाता हूँ अपने इस कैमरे से।
है जो मेरा, वो कालका से उसका टाइम था 12:10 और शिमला में उसका टाइम था 5 बजे, मतलब तकरीबन 5 घंटे की सफ़र थी। तो ऑलरेडी हम लोगों का दो घंटा वो निकल चुका है और ट्रेन यहाँ पे आ रही है, मतलब अपने हाथ में 3 घंटे के आसपास का टाइम है। और 3 घंटे में ही मैं ट्रेन के रिव्यू को दिखाता हूँ, ट्रेन में बोर्ड करता हूँ। तो ट्रेन जो मेरी है वो आ चुकी है और इस प्लेटफॉर्म पे भी लगने वाली है, तो मैं झलक दिखा देता हूँ ट्रेन का। तो ये है हमारी ट्रेन। बोर्ड मैं कर चुका हूं और फाइनली मैं जो ट्रेन मिस कर चुका था उसको मतलब रिकवर कर दिया हूं मैं। उधमपुर से उधमपुर नहीं, वो तो कश्मीर में, इसका नाम क्या है इसे? नहीं धर्मपुर, मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूं उधमपुर और धर्मपुर के बीच में, क्योंकि मेरा जो पहला का प्लान था वो उधमपुर का ही था। छोटी सी ट्रेन है, खिलौने जैसी, नाम भी टॉय ट्रेन ही है, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है थोड़ा अलग रहता है। स्टेशन है, नाम है इसका बड़ोक, बड़ोक नाम है, काफी खूबसूरत है। काफी खूबसूरत लग रहा है, बहुत बेहतरीन। ये जो टॉय ट्रेन है ना, आप इसको IRCTC से बुक कर सकते हो या मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हो। और जो एक कालका से शिमला का जो ट्रेन है, नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है, कालका से जो शिमला का जो ट्रेन है मैंने बुक करी है 351 रुपये, मेक माई ट्रिप से मैंने करी है। आप मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हो या IRCTC भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। और बात करूँ इस स्टेशन का, बाड़ोक स्टेशन का नाम है बाड़ोक, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। कर दो मक्कर दो मक्कर।
GHUMAKKAD घुमक्कड़ दोस्त थैंक यू। अभी शाम का 5:30 बज रहा है यानी 17:30 और अभी जस्ट मैं अपना ट्रेन से उतरा। ट्रेन आप देख सकते हैं वो ट्रेन उतरी है। आप यहाँ का पहले देख सकते हैं मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है क्या सीनिक है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ से हम लोगों ने बोर्ड किया वहाँ पे मेरा बैग छूट गया कैमरा का, तो अभी मैं जा रहा हूँ कंप्लेन कराने स्टेशन मास्टर जी के रूम में। तो लेट्स गो व्हाट टू सी कंप्लेन दर्ज होता है यहाँ कि नहीं और मिलता है पी कि नहीं बैग, देखते हैं लेट्स गो। कंफर्म हो गया है कहाँ है वो, कहाँ है कुछ बात करो उससे, कोई दिक्कत कंफर्म हो गया उससे अंकुश भाई से तू बात किया ना कंफर्म हुआ है ना बोला मैं तो बस चलो और पैदल तो जा नहीं पाएंगे कुछ करना ही होगा। वहाँ पे ढली बाईपास पे काशी का जहाँ भी हो हमारा जो होटल है उस होटल का नाम है क्या नाम है भाई मैं भूल जाता हूँ, लोटस हाँ लोटस हिल व्यू, उस होटल का नाम है लोटस हिल व्यू। यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर है और मैं जस्ट अभी पीछे देखा ये स्टेशन है शिमला का, मैं जस्ट अभी अपने ट्रेन से उतरा और थोड़ा सा बाहर की तरफ आया हूँ। इस एरिया में आप अपना टैक्सीज वगैरह ले सकते हो, तो यहाँ से मेरा प्लान है टैक्सी लेके अपने होटल जाने का। अगले दिन मैं एक अगला व्लॉग स्टार्ट करूँगा और ये जो 1500 तो समय आ गया है अलविदा कहने का और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो ये मेरा वीडियो था कालका से शिमला का टॉय ट्रेन का। इस वीडियो में बहुत सारे मतलब इंसिडेंट हुए, बहुत सारे कल से ही एक्चुअली बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। मेरा ट्रेन भी छूट गया कल, ऑलमोस्ट चोरी हो गया था। जो भी हो वीडियो आप देखोगे तो पता चल जाएगा और मेरे बाकी दोस्त आगे बढ़ चुके हैं और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा लगा होगा तो आपको पता है क्या करना है। बाकी ये जो पीछे आप गया आज का ये दूसरा मास भी गया, बाकी ये जो पीछे देख रहे हो ये है शिमला स्टेशन। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टाटा बाय बाय थैंक यू।